भाई को मेरा नमस्कार। वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल योगेश केमिस्ट्री। चलिए बढ़ते हैं। प्रॉब्लम में बोला गया है कैल्शियम क्रिस्टलाइज इन एफसीसी यूनिट सेल विथ ए इज इक्वल टू 0.556 नैनोमीटर इफ इट कंटेन 0.1% सर्क्यूलेटेड द डेंसिटी ऑफ कैल्शियम विल बी। अब आपको यहाँ पर ओवरऑल आपको पहले डेंसिटी निकालने के लिए बोला गया है और उसके बाद बोलता है कि इसमें 1.1% सर्किल इफेक्ट होगा तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक, तो पहले तो डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। आपको क्या क्या डाटा दिया गया है, तो डाटा में दिया गया है आपको ए इज इक्वल टू 0.556 नैनोमीटर। तो ए का वैल्यू अगर देखते हैं पर 0.556 नैनोमीटर, इसको यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन जो दिया गया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है, तो आपको इसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए ये मीटर है, उसको हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं पहले। तो यहाँ पर 0.556 नैनोमीटर, नैनो का वैल्यू रखते हैं 10^9, मीटर में हो जाएगा। अगर इसी में 10^2 यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर मैं 100 से गुणा कर देता हूँ कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओवरऑल आपको क्या वैल्यू मिलेगा यहाँ पर 0.556 × 10^-7 सेंटीमीटर में आपको ये वैल्यू मिल जाएगा, ए का वैल्यू। ठीक, प्रॉब्लम क्या होता है, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी बराबर हम ले सकते हैं यहाँ पर जेड इंटू एन डिवाइड बाई एन ए इंटू ए क्यूब। ए क्यूब यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा, एन ए यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर है और जेड जो है यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन स्टेलाइटिस स्ट्रक्चर जो होता है उसमें कितना नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट प्रेजेंट है, कितना नंबर आयन प्रेजेंट है, उसके बारे में जानकारी देता है। और एन यहाँ पर उसका जो भी कॉन्स्टिट्यूट है, आयन्स या एटम है, उसका मॉलिकुलर मास के बारे में जानकारी देता है। अब ये जो जेड वैल्यू है, जेड वैल्यू के लिए हम यहाँ पर देखते हैं तीन प्रकार से, यहाँ पर जेड वैल्यू हम ले सकते हैं एससीसी, एफसीसी, बीसीसी या जो भी लैटिस स्ट्रक्चर दिया है उसके हिसाब से यहाँ पर जेड वैल्यू आपको आपको पहले से ही पता रहता है। एफसीसी के लिए जेड का वैल्यू क्या होता है, 4 होता है, एससीसी के लिए 1 होता है, बीसीसी के लिए 2 होता है, ये सब आपको पता होगा। तो एफसीसी के लिए कितना होता है, जेड का वैल्यू 4 और एम जो कि यहाँ पर है कैल्शियम के लिए लेना है, कैल्शियम का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, तो एम जो कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास होता है 40 ग्राम। ठीक, ग्राम में लेना है अपने को, 40 ग्राम ये हो गया, ये 4 हो गया, ये 40 हो गया। एवोगैड्रो नंबर आपको पता ही है इतना वैल्यू होता है 6.023 × 10^23 और ए का वैल्यू अभी हम कन्वर्ट कर चुके हैं। इस फॉर्मूला पर पुट करते हैं वैल्यू 4 × 40 ग्राम डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर और वॉल्यूम यहाँ पर ए क्यूब है, ए का वैल्यू आपको पता है, उसका हम क्यूब कर देते हैं तो ये वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर 3 से पावर लगा देते हैं और यहाँ पर ये वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर अपने को मिलेगा 1.5456 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये इतना यहाँ पर डेंसिटी का वैल्यू मिलता है। अब इस प्रॉब्लम में बोला गया है इफ इट कंटेन 0.1% सॉर्टी डिफेक्ट। सॉर्टी डिफेक्ट में होता क्या है, यहाँ पर जो आयन्स होते हैं, जो प्लस जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, वो लैटिस स्ट्रक्चर से बाहर चला जाता है, इस कारण से वहाँ पर डेंसिटी में क्या आता है, डेंसिटी में कमी आता है। ठीक, डिक्रीज होने लगता है डेंसिटी। यहाँ पर जो डिफेक्ट दिया गया है, मतलब जो इरर दिया गया है, वहाँ ये इरर है कितना, 0.1%। तो 0.1% अगर इसे हम 0.1% निकालते हैं तो ये वैल्यू कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 1.5456 जो यहाँ पर मिला है इंटू 1% करते हैं तो अपने को ये वैल्यू कुछ इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ पर ये वैल्यू देख सकते हैं आप, ये वैल्यू बहुत ही कम है या बोल सकते हैं नेग्लिजिबल है। अब आप इस वैल्यू में इसको माइनस करेंगे तो लगभग लगभग उतना ही वैल्यू अपने को प्राप्त होगा। तो आप इसको बोल सकते हो 5.5 कुछ इस प्रकार से, ये 0.6 1 2 3 के बाद चौथा से शुरू करोगे आप 1 2 3 और यहाँ से देखते हैं तो लगभग लगभग ये कुछ इस प्रकार से वैल्यू मिलेगा ये ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में।
तो फाइनल आंसर आपको ये मिल जाएगा डेंसिटी 1% इरर के बाद। तो अगर ऑप्शन में चेक करते हैं तो ऑप्शन में चेक करेंगे तो पहला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।